मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.6 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले मिसलिनियस एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 30 पहला एग्जाम्पल है आपका, लिखा हुआ है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी धनात्मक और भिन्न है। ए बी और सी धनात्मक है और भिन्न है, भिन्न का मतलब अलग अलग है। ए बी और सी में कोई भी माइनस नहीं है, पहले बात ऋणात्मक नहीं है, और सारे मान अलग अलग हैं, जैसे एक दो है, एक तीन है, एक चार है, इस सब भिन्न भिन्न है। तो दिखाइए कि सारणिक डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बी सी ए सी ए बी का मान ऋणात्मक है। आपको ये शो करना है कि ये जो सारणिक है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन शर्त उसके लिए आपको दी गई है, वो ध्यान रखिएगा कि ए बी और सी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं सारे के सारे। दूसरी चीज, और ये सब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि ए और बी और सी सब सेम नंबर हों, ऐसा नहीं है, कोई भी दो नंबर एक जैसे नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। बस आपको ये शो करना है कि जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऋणात्मक आ जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे निकाली जाएगी, सॉल्व करना है बस, और क्या करना है। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सबको आपस में जोड़ दो, सारणिक है ना, C1 changes to C1 plus C2 plus C3, C1 में हम C2 C3 सबको जोड़ देंगे आपस में, what will be the value of delta, ये जोड़ोगे तो A plus B plus C, A plus B plus C, इनको जोड़ोगे तो B plus C plus A। अब B plus C plus A को आप फिर से A plus B plus C लिख सकते हो, सिमिलरली सी प्लस ए प्लस बी, अगेन यू कैन राइट इट ए प्लस बी प्लस सी। नाउ दिस इज बी सी एंड ए, कॉलम सी टू एंड सी थ्री, देर विल बी नो चेंज इन बोथ द कॉलम्स सी ए बी, उन दोनों कॉलम्स में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि चेंज हमने सिर्फ सी वन को किया है। ओके, नाउ वी कैन टेक कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम अवर फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम से हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा बाहर, अंदर में क्या बचेगा, यहां वन बी सी, वन सी ए, वन ए बी, ठीक है बेटा। अब एक लाइन पे तीन एक बना चुके हैं हम, तो इन तीन एक की मदद से कम दो जीरो तो हम बना ही सके थे, क्या कर दिया जाए बताओ। अगर हम इसमें इसको माइनस कर दें तो एक जीरो बच जाए, बन जाएगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो भी एक जीरो बन जाएगा। तो हम यहां पर कर सकते हैं आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू, और आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर थ्री, डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बउआ देखो, आर वन में आर टू माइनस करो, एक में एक घटाओगे जीरो, बी में सी माइनस करोगे बी माइनस सी, सी में ए माइनस करोगे सी माइनस ए, फिर से आर टू में आर थ्री माइनस करना है, वन में वन माइनस करोगे जीरो, सी में ए माइनस करोगे सी माइनस ए, ए में बी माइनस करोगे ए माइनस बी, सी थ्री विल रिमेन सेम, नो चेंज, सॉरी आर थ्री, आर थ्री में कोई चेंज नहीं होगा। अब एक लाइन पे दो जीरो मिल गए हैं, अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, ज्यादा इसको बढ़ाइए नहीं क्वेश्चन को। तो सी वन के सापेक्ष प्रसार करने पर a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, c1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, फर्स्ट टू एलिमेंट ऑफ कॉलम c1 आर जीरो, तो इन्हें हमें नहीं लेना है, हमें इसका थर्ड एलिमेंट लेना है, एंड दैट इज वन, एंड दिस एलिमेंट इज अ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो प्लस वन, छोटी सी सारणिक बनाएंगे,
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से हम वन को क्या करेंगे, ढक लेंगे। क्या आप क्षैतिज का मतलब समझते हैं? क्या होता है क्षैतिज? ऐसे, और अगर ऐसे कर दें तो ये क्षैतिज नहीं है क्या? क्षैतिज क्या होता है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? अरे वाह, साइंस भी पढ़ते हो, मैथ भी पढ़ते हो, हॉरिजॉन्टल का मीनिंग नहीं याद रखते हो? नहीं मालूम? सुन लीजिए, ऊर्ध्वाधर के लंबवत जो होता है उसको हम क्षैतिज बोलते हैं। समझ रहे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल। क्षैतिज हमेशा ऊर्ध्वाधर के लंबवत होता है। तो ऊर्ध्वाधर क्या है फिर? क्षैतिज के लंबवत? ऐसे थोड़ी होता है यार। रमेश का घर कहाँ है? सुरेश के घर के सामने। तो सुरेश का घर कहाँ है? रमेश के घर के सामने। लेकिन कहाँ है आपको पता लगा? तो ऐसे नहीं होता। क्षैतिज की परिभाषा है ऊर्ध्वाधर के लंबवत। तो फिर ऊर्ध्वाधर की डेफिनेशन बताइए। सुनिए, आप जब किसी वस्तु को, किसी भी पार्टिकल को स्वतंत्रता पूर्वक मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की तरफ गिरने देते हैं, तो वो जिस रास्ते पर गिरती है, जिस दिशा में वो गिर रही होती है, वो डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन है। उस दिशा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। समझ आ रहा है? और उस दिशा के लंबवत जो डायरेक्शन होगी उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। तो ऐसा नहीं होता कि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के लंबवत है और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज के लंबवत है। बात आपकी सही है, लेकिन क्षैतिज की परिभाषा क्या है याद रखिए। दीज आर द एक्चुअल डेफिनेशंस। क्षैतिज सदैव ऊर्ध्वाधर के कैसा होता है? लंबवत। लेकिन ऊर्ध्वाधर क्या है फिर? तो यह नहीं बताना है कि क्षैतिज के लंबवत होता है। किसी भी वस्तु को, किसी पिंड को मुक्त रूप से जब आप स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरने देते हैं, तो वो जिस दिशा में गिर रही होती है वो डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर दिशा रहती है। तो ऊर्ध्वाधर की ये परिभाषा है। और क्षैतिज की परिभाषा क्या है? ऊर्ध्वाधर के लंबवत। बस। नहीं समझ आया? आ गया? अब तो भूलेंगे नहीं कभी आप। अचानक से मुझे ध्यान आया, क्योंकि मुझे क्षैतिज ऊर्ध्वाधर बोलना पड़ता है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए इसे। तो दोनों तरफ से वन को ढक लीजिए, ऐसा भी और ऐसे भी। क्या बचेगा देखो? बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, ए माइनस बी। बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, ए माइनस बी। ऐसा ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। इसको सॉल्व करना है भैया। बाहर तो वन है, मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आएगा जो अंदर है, तो बस अंदर को सॉल्व कर लो। इसका गुणा इससे करेंगे, सबसे पहले करवाइए। बी का गुणा ए से करेंगे, ए बी। बी का गुणा माइनस बी से करेंगे, माइनस बी स्क्वायर। माइनस सी का गुणा ए से करेंगे, माइनस सी ए। माइनस सी का गुणा माइनस बी से करेंगे, प्लस बी सी। अब माइनस, अब इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये भी सी माइनस ए है, ये भी सी माइनस ए है। ये क्या बन जाएगा? सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। अगर ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा और बाहर माइनस भी है, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करेंगे लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से सारे निशान बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू सी ए। कैसे? कि c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या आता? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए आता, पर जब निशान बदल जाएंगे तो c स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस हो जाएंगे, टू सी ए प्लस का हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखना बेटा, ये जितने स्क्वायर वाले टर्म है सारे के सारे निगेटिव हैं। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद हमने लिखा ये ए बी प्लस का प्लस बी सी, टू सी ए और ये माइनस सी ए।
प्लस का सी ए ऐसा आ गया। हमें तो यह दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक है, ये कैसे सो होगा। आप सबसे पहले एक काम करिए, अंदर ब्रैकेट से माइनस कॉमन करिए, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे आप ये तो नंबर वैसे ही बना रहेगा, ये नंबर्स कैसे हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, निशान बदल जाएंगे ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सारे निशान पलट गए। अब आपको एक काम करना है, देखो ऐसे तो नहीं हमें पता चल पाएगा, अब ऐसे क्या मालूम, ये माइनस लगे हुए हैं, ये सब के स्क्वायर हैं, इन सब का जोड़ और इन सब का जोड़ पता नहीं कौन बड़ा है, अगर ये बड़ा हो जाएगा और इन सब का जोड़ छोटा हो जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ये अगर छोटा होगा ये बड़ा होगा तो पूरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो वैल्यू जीरो भी आ सकती है। तो यहां से अभी हम नहीं बता सकते आपको कि इसकी वैल्यू जीरो होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, हम नहीं बता सकते यहां से अभी आपको। क्या करना चाहिए उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं बनेगा काम। अब आप देखो किस प्रकार के चेंजेस, हम दो से डिवाइड करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से हमने डिवाइड कर दिया, देखो रही बात माइनस और ए प्लस बी प्लस सी की, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये बाहर पहले से ही थे, केवल हमने दो का भाग दिया, अब दो का गुणा भी करना पड़ेगा तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लगाए दे रहे हैं, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टू ए स्क्वेयर प्लस टू बी स्क्वेयर प्लस टू सी स्क्वेयर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए माइनस वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी। गौर से देखिएगा, टू ए स्क्वेयर टू बी स्क्वेयर और टू स्क्वेयर टू सी स्क्वेयर, ये सब दो दो बार हैं। गौर करिए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहता हूं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए। जरा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए, ये आ गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये आ गया, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये आ गया, माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। फायदा किसका लिया कि ये जो दो दो बार हैं सारे के सारे, इनको हमने अलग अलग ऐसे कर दिया, और ऐसे करने से क्या मिलेगा, अब आप देखें, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी। जरा ध्यान दीजिएगा, ये थ्री टर्म्स, ये थ्री टर्म्स और ये थ्री टर्म्स, ये थ्री टर्म्स मिलकर क्या बना लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये बना लेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वेयर, और ये बना लेंगे c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहां से हम बता सकते हैं आपको कि इसका निशान कैसा होगा, जरा ध्यान से देखिए, पहली बात तो ए बी सी सब कैसे हैं, धनात्मक, अगर ए बी सी धनात्मक हैं तो ये वाला टर्म कैसा रहेगा, धनात्मक कि ऋणात्मक, अगर ए बी और c सब पॉजिटिव नंबर हैं तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, तो तीन नंबर अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनको जोड़ने पर भी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव, थोड़े से पगले टाइप के हो तुम लोग, सब में स्क्वायर है कि नहीं, नेगेटिव हो नहीं सकता, समझ में आया, और बीच में भी प्लस 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 लगा हुआ, तो स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं हो सकता, माइनस भी होगा नंबर अगर तो भी उसका स्क्वायर करने से वो कैसा हो जाएगा, तो यह ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर, सब में स्क्वायर लगा है, सो नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, पॉजिटिव होंगे सारे, क्या जीरो हो सकते हैं, क्यों,
ए बी और सी सब अलग अलग हैं। बिल्कुल सही, देखो ए बी सी धनात्मक होने के साथ भिन्न भिन्न है। ए और बी, हाँ अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि बी और सी बराबर हो जाएं, तो फिर जब बी माइनस सी माइनस करते तो ये कितना हो जाता, जीरो। सी और ए बराबर होते तो भी ये जीरो हो जाता, ए और बी बराबर होते तो जीरो हो जाता, पर उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि ए बी और सी सब कैसे हैं, अलग अलग, धनात्मक भी हैं अलग अलग भी हैं। तो ये देखो जीरो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सब अलग अलग हैं। माइनस भी हो नहीं सकता, क्यों, सबके स्क्वायर लगे हुए हैं। तो फिर अब एक ही रास्ता बचा, क्या हो सकता है, पॉजिटिव। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट भी कैसा होगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट भी पॉजिटिव रहेगा आपका, समझ में आया। तो पूरा नंबर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे इसको भी तो देख लो एक बार, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, लेकिन आगे तो माइनस लगा है। अब माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस, वैल्यू कैसी आएगी, माइनस। तो डेल्टा की वैल्यू कैसी आ गई, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी नेगेटिव। नहीं समझ में आया, पर यहां से नहीं, हम आपको नहीं बता सकते थे कि क्या आ जाएगा, इसलिए ये चेंजेस मुझे करने पड़े। और जैसे ही हमने चेंजेस किए, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस साइन इज नेगेटिव, दिस ब्रैकेट हैज द साइन पॉजिटिव, एंड दिस ब्रैकेट हैज ऑल्सो द साइन पॉजिटिव। सो माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस विल बिकम माइनस, सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी कंप्लीटली नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव। समझ आ रहा है, जीरो हो नहीं सकते, माइनस नहीं हो सकते ये नंबर्स, तो जाहिर सी बात है प्लस ही होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हमारे पास। तो प्लीज, क्या आपको ये समझ में आ गया, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद 31 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 31 लिखा, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो निम्नलिखित सरणिक का मान ज्ञात करिए। उन्होंने बोला कि ए बी और सी समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, क्योंकि ए बी सी ये तीनों काहे में हैं, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो तीनों एपी में है। क्या आप बता सकते हैं अगर ये तीन नंबर समांतर श्रेणी में है तो क्या शर्त लगती थी इसके लिए। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर a प्लस सी, उस समय b को a और c का समांतर माध्य कहते हैं, और b का दो गुना इन दोनों के योग के बराबर होता है। दिस इज द कंडीशन, इफ a b एंड c आर इन ap देन 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये कंडीशन है। तो ये ए बी सी समांतर श्रेणी में है इसलिए ये जरूर हो जाएगा। अब उन्होंने बोला कि इसका मान ज्ञात करिए, तो फिर ये जो एक सरणिक लिखी है इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। देखिए हम एक काम करना चाहते हैं, काम हम ये करना चाहते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे, आर वन और आर थ्री को, और उसमें आर टू का दो गुना माइनस कर देंगे। ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, आप देखो ध्यान से, R1 changes to R1 plus R3 minus 2R2. R1 को बदलना है कैसे, कि पहले R1 और R3 को आपस में क्या करो, जोड़ो, और फिर R2 का दोगुना करने से जो आए उसे इन दोनों के जोड़ में माइनस कर दो, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू, चलिए करिए, R1 और R3 जोड़िए, क्या आएगा, 2y और 4y 6y, 4 एंड 6 10, r1 r3 जोड़ दिया, अब r2 का दुगना करो जरा, तो 6y प्लस 10, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, अब इसके जोड़ में इसका दुगना माइनस कर देना है। देखिए गौर से, ये भी 6y प्लस 10 है, ये भी 6y प्लस 10 है, ये पॉजिटिव 6y प्लस 10 है, नेगेटिव 6y प्लस 10 है, They will cancel each other.
एंड इफ दे विल कैंसल ईच अदर व्हाट विल बी नंबर हियर, जीरो, जीरो तो बचेगा केवल। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़िए तो पांच और सात कितना हुआ, बारह हवाई, इन दोनों को जोड़ा तो सोलह, ये जोड़ आ गया। इसमें इसका दुगना माइनस करना है, इसका दुगना करेंगे, बारह वाई प्लस सोलह, दो छंग बारह, दो अट्ठे, फिर से नंबर सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा यहां पर। फिर से नहीं, इसमें नहीं, अब इसको दोनों को जोड़िए तो ये कितना आ जाएगा, 18y प्लस ए प्लस सी, 18y प्लस ए प्लस सी, इसका दुगना करिए, 18y प्लस 2b, ठीक है, माइनस कर दीजिए, 18y प्लस ए प्लस सी माइनस 18y माइनस 2b, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहां पर, a प्लस सी माइनस 2b, तो R1 चेंज हो गया, बाकी सारे रोज वैसे ही रहेंगे। ये आ जाएगा 3y प्लस 5, ये आ जाएगा 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस 6, ठीक है। अब यहां जो कंडीशन एक दी गई थी कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, उसके मुताबिक 2b की जगह a प्लस सी या a प्लस सी की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो हम चाहें तो इस a प्लस सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2b, फिर 2b माइनस 2b, जीरो हो जाएगा, ये इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी जीरो, 3y प्लस 5, 4y प्लस 6, 0, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9, और a प्लस सी की जगह 2b माइनस 2b, ये भी 0, 9y प्लस b, 10y प्लस c। आपको याद करिए, एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि अगर किसी सरणी का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सभी अवयव 0 हो जाएं तो सरणी का मान क्या हो जाता है, तो इसका तो R1 पूरा जीरो हो चुका है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। उन्होंने इसका मान पूछा था तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। आपको समझ आया कि नहीं आया, नोट करिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 32 में है, दर्शाइए कि सारणिक, एक सारणिक दी गई है, ये y प्लस जेड होल स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और इसे ये प्रूव करना है 2xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये हमें ला के दिखाना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है पहले देख लेते हैं, y प्लस जेड होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत सोच समझ करके, जल्दी में कहीं आपसे गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर ये सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो ये बड़ा लंबा कैलकुलेशन जा सकता है इसका, इसलिए बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज देख रहे हैं, यहां पर कुछ टर्म ऐसे हैं जिनके ऊपर स्क्वायर हैं और कुछ टर्म ऐसे हैं जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हम करना ये चाहते हैं कि या तो सबके स्क्वायर हट जाए और या तो सब में स्क्वायर आ जाए, तो ईजी होगा हमारे लिए करना उसको, तो स्क्वायर हटाना तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन स्क्वायर बनाना ये हम कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे पहले स्क्वायर, क्या करेंगे ध्यान से देखिए, हम एक काम करेंगे, R1 में x का गुणा करेंगे, R2 में y का गुणा करेंगे
और आर थ्री में जेड का गुणा करेंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन तो आपने किसका गुणा किया, आर वन में एक्स, आर टू में वाई, आर थ्री में जेड, आपने एक्स वाई जेड का गुणा किया। लेकिन अपने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसी एक्स वाई जेड का भाग भी तो देना पड़ेगा, केवल गुणा कर दो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। या तो दो पक्ष होते सवाल में तो दोनों पक्षों में कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। पर ऐसे तो जिसको जिसका हमको गुणा करना है उसी का हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बना सकते आप कुछ भी। तो हम R1 में x से मल्टीप्लाई करवा दो, आप देखो आपको क्या मिलेगा। हाँ, एक्स वाई जेड का गुणा भी करना है और एक्स वाई जेड का भाग भी। तो जिसका भाग दे रहे हैं उसकी जरूरत हमें अंदर नहीं है, उसको हमने बाहर लिख लिया। गुणा करने में x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स स्क्वेयर, इसमें वाई से मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई स्क्वेयर वाई इंटू एक्स प्लस जेड होल स्क्वेयर, इसमें वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वेयर जेड, इसमें जेड से मल्टीप्लाई करना है, एक्स जेड स्क्वेयर वाई जेड स्क्वेयर और जेड एक्स प्लस वाई स्क्वेयर। तो एक्स वाई जेड का अंदर हमने गुणा भी किया और एक्स वाई जेड का भाग भी दे दिया बैलेंसिंग के लिए। अब क्या स्क्वेयर सब में बन गया, अभी तो नहीं दिख रहा है, अब आपको दिखेगा। उसके लिए यहां से आप एक्स कॉमन कर लो, यहां से वाई कॉमन कर लो और यहां से जेड कॉमन कर लो। सी वन से एक्स, सी टू से वाई, सी थ्री से जेड कॉमन करो। तो क्या क्या कॉमन आएगा, x भी y भी और z भी। तो x y z कॉमन आ गया और ये वाला x y z पहले से लिखा था तो उसको भी हमने लिख दिया। अब अंदर में बचा क्या, पहले ये देखो यहां से पूरे कॉलम से x कॉमन गया है तो ये हो गया y प्लस z का होल स्क्वायर, यहां y स्क्वायर और यहां पर z स्क्वायर, यहां से पूरे से y कॉमन गया तो यहां पर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस जेड होल स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, यहां से जेड कॉमन चला गया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। नहीं समझ में आई बात आपको, तो इस तरह से अब आप देखिए बाहर तो ये इससे कैंसल हो गया, अंदर में अब जितने टर्म है सबके पास स्क्वेयर है, चेक करिए जरा है अब सबके पास स्क्वायर। अब जोड़ने घटाने में कुछ इजीनेस महसूस होगा हमको, नहीं तो उससे पहले तो बड़ी प्रॉब्लम होती। अब हम माइनस करना चाहते हैं क्योंकि मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी बनाना है और वो भी एक नहीं तीन पावर वाला। तो एक काम करेंगे आप ऐसे करिए सी टू माइनस सी वन करिए और सी थ्री माइनस सी टू नहीं सी थ्री माइनस भी सी वन ही करिए। देखो क्यों करेंगे अभी आपको पता लगेगा। सी टू चेंजेस टू सी टू माइनस सी वन और सी थ्री चेंजेस टू सी थ्री माइनस सी वन। सी टू में सी वन माइनस करेंगे सी टू बदल जाएगा, सी थ्री में भी सी वन माइनस करेंगे सी वन सी थ्री बदल जाएगा। अलाउड है कि नहीं अलाउड है, देखो इस एक्शन से C2 चेंज होगा, इस एक्शन से C3 चेंज होगा तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई एक्शन नहीं करना है इसमें इससे भी वही चीज चेंज हो इसमें भी वही चीज चेंज हो, यहां दोनों वही चीज यूज हो रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज होने वाली चीजें दोनों अलग अलग होनी चाहिए। चलिए ठीक है, सी वन तो चेंज नहीं करना ना आपको, तो C1 में वैसे ही कर लो आप, क्या कर लो y प्लस जेड होल स्क्वेयर वाई स्क्वायर जेड स्क्वेयर। C2 में C1 माइनस करो बउआ, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या बन जाएगा,
ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब इसमें इसको माइनस करो तो एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यहां भी ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा। ए प्लस बी करेंगे तो एक्स प्लस जेड प्लस वाई या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड सीरियल बना के लिख दिया है हमने। जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर माइनस होगा, जीरो आ जाएगा। ये चीज समझ आ रही है ना आपको? अब हम इसको हटा दे रहे हैं। अब C3 में भी C1 को ही माइनस करिए आप। एक्स स्क्वायर में जब इसको माइनस करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा कि नहीं बनेगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, फिर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन गया? जीरो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये ऐसा कर दिया हमने। अब देखो क्या करना पसंद करेंगे आप, C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन और C3 से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। कितने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहे हैं? दो, तो इस पर क्या लगा दिया जाएगा? स्क्वायर। नहीं समझ आया? अब बचा क्या? पहले ये देखो यहां क्या बचा, y प्लस जेड होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहां से ये चले जाएंगे तो इस पे आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, इसमें आएगा x माइनस वाई प्लस जेड और ये जीरो। यहां पर ये दोनों चले गए तो बचा x माइनस वाई प्लस जेड, ये जीरो और ये x प्लस वाई माइनस जेड, ऐसा ये आ गया। नहीं समझ आया? अच्छा, अब देखो कुछ तो हल्का हुआ और आंसर भी कुछ आ रहा है धीरे धीरे। एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ओ आई एम सॉरी, ये वाला एक्स माइनस वाई माइनस जेड आएगा। ठीक है, चलिए अभी और इसको छोटा करना है आपको। क्या तरकीब लगा सकते हैं? देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्यों ना एक काम कर लिया जाए कि इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दें। क्यों? इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, उसमें वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा और जब इन दोनों को माइनस कर दोगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट हमको मिलेगा, यहां भी कुछ ना कुछ मिलेगा। देख लेते हैं करके, करोगे तभी तो पता लगेगा ना आपको। तो हम एक काम करना चाहते हैं, R1 changes to R1 minus R2 plus R3। R1 में हम R2 plus R3 को क्या कर देंगे? R2 और R3 जोड़ करके R1 में माइनस कर देंगे। देखिए क्या रह जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, इसका इसमें आपको इन दोनों का जोड़ माइनस करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। अब इन दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उससे इसमें कर क्या देना है? माइनस। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 2yz बच जाएगा।
इसमें इन दोनों का जोड़ माइनस करिए, इन दोनों का जोड़ा तो कितना आया x माइनस वाई प्लस जेड, उसे इसमें माइनस करो। तो x माइनस वाई माइनस जेड में माइनस करना है, x माइनस वाई प्लस जेड निशान बदल जाएंगे, माइनस x प्लस वाई माइनस जेड, माइनस x से प्लस x कैंसिल, माइनस y से प्लस y कैंसिल, माइनस जेड कितना हो गया माइनस टू जेड। ऐसे इसमें इन दोनों का जोड़ माइनस करो, इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, और इसमें माइनस करना है x माइनस वाई माइनस जेड, इसको माइनस करोगे तो माइनस x माइनस वाई प्लस जेड, माइनस x से प्लस x कैंसिल, माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल, क्या बच गया माइनस टू वाई। ठीक है, बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही लिख दो आप। बउआ ठीक है ना, अब देखो आपके सारणिक में, अरे केवल R1 चेंज होगा ना, ये तो जीरो रहेगा, y स्क्वायर x माइनस वाई प्लस जेड जीरो, z स्क्वायर जीरो x प्लस वाई माइनस जेड टू वाई जेड माइनस टू जेड माइनस टू वाई। ठीक है, आपकी सरणिक में कितने जीरो हैं, दो हैं तो दो जीरो, लेकिन दोनों ही जीरो एक लाइन में नहीं है। ये दो जीरो अगर एक ही लाइन में होते तो हमें ज्यादा फायदा होता, उसी के सापेक्ष हम प्रसार कर देते। तो दो जीरो तो हैं पर एक लाइन में नहीं है, तो आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसा नहीं लगता अगर इसमें हम y का भाग दे दें, y का भाग तो ये क्या बचेगा, और फिर उसको इसमें जोड़ दें तो ये जीरो बन जाएगा, फिर इसमें z का भाग दे दें तो ये क्या बचेगा 2y, और उसको इसमें जोड़ दें तो एक ही लाइन में दो जीरो आ जाएंगे। भले ये जीरो बिगड़ जाए आपके, लेकिन एक लाइन में अगर दो जीरो आते हैं तो कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं वो आपका। समझ आ रहे हैं आपको, या अगर तीनों को आप जोड़ते हो तो क्या मिलेगा, R1 R2 R3 तीनों को जोड़िए, y स्क्वायर प्लस जेड, अच्छा y प्लस जेड का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और ऐसे तो कुछ नहीं लगता कि कुछ मिलने वाला है हम लोगों को। यही कर लो फिर आप, एक लाइन में दो जीरो बनाओ और उसके बाद प्रसार कर देंगे हम उसका। देखो क्या करना है इस पे हमें, तो फिर सबसे पहले C2 में जोड़ना है C1, लेकिन Y का भाग दे करके। ठीक है, चलिए कर दीजिए इसको, C2 changes to C2 plus 1 upon YC1, C1 में Y का भाग देंगे और C2 में जोड़ देंगे, और C3 changes to C3 plus 1 upon Y, नहीं 1 upon Y नहीं सॉरी 1 upon ZC1। देखो C1 में हम Y का भाग देंगे और C2 में जोड़ देंगे, फिर C1 में ही Z का भाग देंगे और C3 में जोड़ेंगे आके। समझ आ रहा है, चलो करो इसको, हमें लगता है जगह नहीं बनेगी। ये X प्लस Y प्लस Z होल स्क्वायर, C1 को तो कुछ बदलना नहीं है, C1 तो वैसे ही का वैसा लिख दो, 2YZ y स्क्वायर z स्क्वायर। देखो बउआ क्या करना है, c1 में y का भाग दो, c2 में जोड़ो, इसमें y का भाग दो क्या मिलेगा, जीरो 2z, फिर 2z को माइनस 2z में जोड़ दो, जीरो, इसमें y का भाग दो 2z, इसमें y का भाग दोगे तो y मिलेगा, उसको इसमें जोड़ोगे तो माइनस y से कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस जेड, इसमें y का भाग दो z स्क्वायर अपॉन y, उसको जीरो में जोड़ दो z स्क्वायर अपॉन y। ऐसे ही
इसमें जेड का भाग दो और इसमें जोड़ो, इसमें जेड का भाग दो क्या बचेगा, फिर उस टू वाई को माइनस टू वाई में जोड़ दो जीरो, इसमें जेड का भाग दो वाई स्क्वायर अपॉन जेड उसको जीरो में जोड़ दो, वाई स्क्वायर अपॉन जेड इसमें जेड का भाग दो जेड उसको इसमें जोड़ दो, तो वो जेड इस माइनस जेड से कट जाएगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा। तो देखो ये वाले जीरो खत्म हो गए, पहले भी दो जीरो थे अभी भी दो जीरो हैं, पर अब अच्छा ये कि अब एक ही लाइन में दो जीरो हैं आपके, और अब इसके सापेक्ष प्रसार करने से हमारा काम इजी हो जाएगा जरा। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए भाई, ये तो लिखोगे ही आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, R1 का पहला एलिमेंट क्या है टू वाई से डायगनल एलिमेंट है इसलिए पॉजिटिव रहेगा टू वाई जेड, और दोनों तरफ से, दोनों तरफ मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से टू वाई जेड को ढक दीजिए आप, ऐसा जो बचा समझ में आ गया, ये बचेगा x प्लस जेड वाई स्क्वायर अपॉन जेड जेड स्क्वायर अपॉन वाई और x प्लस वाई, ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दिस इज टू वाई जेड। अब इसे कैलकुलेट करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, करोगे तो x का x से कर दिया हमने x स्क्वायर, x का y से कर दिया एक्स वाई, जेड का x से करा जेड एक्स, फिर जेड का y से कर दिया वाई जेड, माइनस इसका इससे करोगे, ध्यान से देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे जेड से इसका एक जेड कैंसिल हो जाएगा, इसके y से इसका एक y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर z बचेगा इसमें y बचेगा, y z आ जाएगा। नहीं समझ में आया, आप करके देख लो कहीं पर भी, z स्क्वायर अपॉन y गुणे y स्क्वायर अपॉन z, इससे इसके एक पावर कैंसिल, इससे इसके एक पावर कैंसिल, y z बचा ना वो y z हमने लिख दिया, अब प्लस y z से माइनस y z कैंसिल, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये यहां पर क्या है टू वाई जेड, आपको नहीं लगता कि यहां से x कॉमन कर लेना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए, कर लो तो अगर x कॉमन आ जाएगा तो जो पहले टू वाई जेड था अब वो बदल करके टू एक्स वाई जेड बन जाएगा, टू एक्स वाई जेड, और बेटा अंदर क्या बचेगा बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से देखो ये 2xyz तो लिख ही दो आप पहले ही, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और ध्यान से देखिए यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नहीं समझ आया, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 32, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आप एक काम करेंगे, इसमें एग्जाम्पल 34 तक है, मतलब अभी भी दो एग्जाम्पल हमारे बचते हैं, अब इनको हम सॉल्व करेंगे लेकिन अगली क्लास पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में, चलते हैं मिलते हैं अगली क्लास पे, थैंक यू।